हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अस्सलाम वालेकुम, जय श्री राम। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने कल एक्सरसाइज 5.2 शुरू की थी और 5.2 के हमने आई थिंक 4 to 5 क्वेश्चंस लिए थे हमने, तो आज उसी को आगे हम कंटिन्यू करते हैं और डिफरेंशिएशन के एक्सरसाइज 5.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। आई होप आपको जो पीछे वाली वीडियोस थी अच्छी लगी होंगी, आप शेयर ज़रूर करिएगा उन वीडियोस को। चलिए शुरू करते हैं। देखो फ्रेंड्स, हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन फोर्थ है। क्वेश्चन फोर्थ सेज दैट वाई इक्वल्स टू सेक ऑफ टैन अंडर रूट एक्स। मैंने अब आपको पहले भी बताया कि सेक के साथ जो भी फंक्शन है या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ जिसको हम एक्स लेते हैं, यहाँ पर वो एक्स नहीं है, वो टैन रूट एक्स है। तो इट मीन्स कि आपको क्या करना है, इसे ट्रीट करना है एज एक्स। अब इसे एक्स ट्रीट करते हुए हम इस क्वेश्चन को आगे कैरी ऑन करते हैं। देखो, डिफ्रेंशिएटिंग इट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस विल बिकम डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेक ऑफ टैन अंडर रूट एक्स। अब बताइए सेक ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, दैट इज सेक एक्स टैन एक्स। तो राइट साइड ये चीज़ हमें लिखनी जरूर चाहिए कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ sec of x is sec x tan x, we are using this formula। तो यहां पर sec और ये पूरा क्या है हमारे पास x है, तो डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगी इसकी, sec x लिखते समय हमें पूरा लिखना है जैसे मैंने कल बताया आपको, एंड tan x। अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पे बच्चे से गलती हो सकती है, जब उसने tan लिखा और उसके आगे x लिखना है तो वापिस से tan आ रहा है हमारा, तो उसका ध्यान रखना, यहां पे कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना। अब मैंने क्या बोला, जिस चीज़ को आप ट्रीट करते हो उसकी डिफ्रेंशिएशन वापस से की जाएगी ना, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ टैन अंडर रूट एक्स, ये वापस से करेंगे। क्लियर है ये, दिस विल बिकम sec ऑफ टैन अंडर रूट एक्स टैन ऑफ टैन अंडर रूट एक्स एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ टैन एक्स। तो भाई ये भी लिख रहा हूँ मैं राइट साइड, d बाई डी एक्स ऑफ tan x हमारे पास क्या होता है भाई, sec square x होता है। फॉर्मूले से आपको याद खुद ही करना है यार, वो जितना आप रीड करोगे फॉर्मूलेस को उतना ज़्यादा आपको क्लैरिटी आएगी। बार बार यूज़ करो, रफ कॉपी पे प्रैक्टिस करो इसकी, आपको ये फॉर्मूलेस जो है ये भूलेंगे नहीं फिर। तो हमें बताया कि tan x की डिफ्रेंशिएशन इज sec square x, तो यहाँ पे जब हम इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे वापस से हमें इसे ट्रीट करना पड़ेगा, क्या ट्रीट करना पड़ेगा, x। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, sec square रूट एक्स, जो कि इसकी डिफरेंशिएशन हो गई, बट अब रूट एक्स को ट्रीट किया है तो डिफरेंशिएशन वापस से किसकी करेगी, रूट एक्स की, दैट इज एक्स रेज टू पावर 1/2। तो अब स्टूडेंट्स ऐसा है कि क्योंकि बाकी सब आपका डिफरेंशिएट हो गया, इसकी डिफरेंशिएशन अगर आप एक एक स्टेप करके करोगे तो पूरा सवाल बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो आप इसे रफ पे करके एक ही बारी वैल्यू इसकी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो मैं रफ पे करता हूँ, यहाँ देखिए भाई, d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर 1/2, दिस विल बी पावर नीचे उतरेगी और पावर से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, दिस विल बिकम 1/2 अंडर रूट एक्स। और इसकी डिफरेंशिएशन हम पहले 2-4 क्वेश्चंस में कर ही चुके हैं। क्लियर, अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, दिस विल बिकम sec ऑफ tan रूट एक्स tan ऑफ tan रूट एक्स, बेसिकली ये पूरा एक्स है, मैंने पहले भी बताया आपको, sec square of root x, और इसकी डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या है, 1/2 अंडर रूट एक्स। और ये जो राइट साइड में आया इसको आप रीअरेंज करो और वापस से लिख लो, तो दिस विल बिकम 1/2 अंडर रूट एक्स sec of tan अंडर रूट एक्स tan of tan अंडर रूट एक्स एंड sec square रूट एक्स। तो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ द गिवन फंक्शन। काफी इजी क्वेश्चन था ये, बस इसमें चेन रूल बार बार यूज हो रहा है। देखो यहां पर भी एक बार चेन रूल हुआ, इसकी डिफरेंशिएशन वापस से की, यहां पर यूज हुआ, इसकी डिफरेंशिएशन वापस से की, फिर रूट एक्स की डिफरेंशिएशन हमने वापस से की, तो काफी बार चेन रूल यूज हो रहा है। अभी कंसंट्रेशन लेवल ऐसे क्वेश्चन में बड़ा हाई होना चाहिए, मैथ्स इज नथिंग जस्ट ए कंसंट्रेशन लेवल आपका हाई होना चाहिए, और
बड़े एक कन्फ्यूजन को साइड पे रखते हुए बड़े इजी वे में सॉल्व करो, हर क्वेश्चन मैथ्स का सॉल्व होगा। क्लास ट्वेल्थ में एक मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 आउट ऑफ 100 बड़ी इजी वे में ले सकते हो। उसके अलावा फिजिक्स में भी आते हैं, बट एज यू नो दैट केमिस्ट्री एंड इंग्लिश यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्क्स स्टूडेंट के कटते हैं। तो मैथ्स क्योंकि आप ले सकते हो 100 आउट ऑफ 100 तो ज़रूर लेने चाहिए, आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम से बड़ी हेल्प होने वाली है। आई थिंक ये क्लियर हो गया आपको, इसे रब करते हैं, वी विल स्विच ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा पर्सनल ना ये एक आपको बोलूँ तो मेरा एक ही पैशन भी है यूट्यूब वीडियोस बनाना, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ऑल दो अभी पहले हम इस पर ज़्यादा वर्क नहीं कर पाए, बट इन द कमिंग डेज काफ़ी वर्क करने वाले हम इन पे। चलिए क्वेश्चन फिफ्थ पे आते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ सेज दैट y इक्वल्स टू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी। चलिए अब ये देखते ही आपको कौन सा फॉर्मूला अपने माइंड में आ रहा होगा, यू बाई बी फॉर्मूला, जो मैंने आई थिंक एक दो वीडियो पहले बताया भी था आपको। तो आप इसे क्या ट्रीट कर सकते हो यू, और इसे क्या ट्रीट कर सकते हो वी। मैंने बताया ना यू के अंदर एक्स का फंक्शन होगा, वी के अंदर भी एक्स का फंक्शन होगा। तो याद करो डिफ्रेंसिएशन ऑफ यू वी फॉर्मूला क्या था हमारे पास, डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी। पहले वी लिखेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे हम किसकी, यू की, माइनस यू डिफरेंशिएशन ऑफ v होल अपॉन वी स्केयर। याद आप सभी को, इसको हम इस पर इंप्लाई करते हैं। तो देखिए दिस विल बिकम, पहले आप लिख लो वो चीज़ अगर लिखना चाहते हो तो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, दिस विल बिकम डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। और ये यू बाई वी फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, तो इसमें क्या होता है भाई, सबसे पहले हमारा v जो है वो ऊपर लेंगे हम, दिस विल बिकम कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी इंटू क्या, डिफ्रेंसिएशन ऑफ u। अब u कौन सा, ऊपर वाला फंक्शन, तो d बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी d बाई डी एक्स ऑफ नीचे वाला फंक्शन दैट इज v ना, कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी होल अपॉन वी स्केयर, एंड वी इज वट, कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी का होल स्केयर। अब ये होल स्केयर यहां मत लिखिएगा बेसिकली, क्योंकि कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी का होल स्केयर है, तो या तो आप यहां लिख लें या तो पूरा इस पूरे को ब्रैकेट में लेके स्केयर लिख लें, वो ज्यादा ईजी होगा, एंगल का स्केयर नहीं होगा, इसका ध्यान रखना आपने। तो दिस विल बिकम कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी, डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन इज वॉट, डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन इज कॉस, मैंने पहले भी बताया, तो दिस विल बिकम कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। बट देखो ना यार, ये पूरी चीज को आपने एक्स ट्रीट किया ना, और जिसको हम एक्स ट्रीट करते हैं उसकी डिफ्रेंसिएशन वापिस से करते हैं, तो दिस विल बिकम डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस इज माइनस साइन, तो इट विल बिकम माइनस साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी। और वापिस से क्या करोगे भैया, इसकी डिफ्रेंसिएशन करोगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है तो इसको रब करके हम आगे मूव करेंगे। अपॉन क्या आएगा भैया, अपॉन तो सेम फंक्शन ही रहेगा, कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। क्लियर है पॉइंट, नेक्स्ट स्टेप पे आ जाए भाई। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या बोलेगा, दिस विल बिकम कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब डिफ्रेंसिएशन ऑफ ए एक्स प्लस बी इज व्हाट, इट इज ए माइनस साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। अच्छा अब ये माइनस और ये माइनस को मैं प्लस कर सकता हूं क्योंकि मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, आगे क्या आएगा हमारे पास, साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी, और डिफ्रेंसिएशन ऑफ सी एक्स प्लस डी इज व्हाट, सी, वाई सी, बिकॉज यहां पे तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वन आया, और डिफ्रेंसिएशन डी की क्या रहेगी, जीरो, और जब यहां वन आया तो उसको एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी यहां वन आया उसको सी से मल्टीप्लाई करोगे वो सी रहेगा। तो वापस से लिखने की जरूरत नहीं है कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉन्स्टेंट डी इज जीरो, नो नीड। तो अपॉन क्या रहेगा भाई हमारे पास, अपॉन सेम फंक्शन, कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी का होल स्केयर। क्लियर है ये पॉइंट,
अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर सकते हो, इस ए को रीअरेंज करके पहले कर लो और इस सी को भी रीअरेंज करके पहले कर लो, ये चीज़ कर सकते हैं। अब मुझे ये फंक्शन को थोड़ा सा रब करना पड़ेगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलो अब इसे वापस से ले लेते हैं हम ऊपर। ये पिछला स्टेप है भाई, हमारे पास जगह की थोड़ी कमी है इसलिए ऐसा कर रहे हैं हम। ए को मैं रीअरेंज कर रहा हूँ, दिस विल बिकम ए इंटू कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी, और ये सी जो है मैं इसे ये पीछे लिख रहा हूँ, क्लियर। और होल अपॉन क्या है हमारे पास, होल अपॉन तो वही है ना हमारे पास, कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। तो भाई क्योंकि ये चीज़ तो हम पहले लिख चुके हैं, हम ऐसा करते हैं कि इन दोनों के साथ, क्योंकि यहाँ प्लस है तो इसको मैं इसके साथ भी सेपरेट कर रहा हूँ और इसको मैं इस टर्म के साथ भी सेपरेट कर रहा हूँ। तो जब सेपरेट करूँगा तो होल अपॉन इसके क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ऑफ सी एक्स प्लस डी, मैंने ये स्क्वायर जो है वो कॉस का स्क्वायर करके लिखा है अब, क्लियर। और इधर क्या आएगा आपके पास, सेम यही कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, क्लियर। तो स्टूडेंट्स आपको ये दिखना चाहिए कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी यहां पर भी है और यहां दो बार है स्क्वायर है, तो एक पावर तो कट हो गई आपकी, क्लियर। राइट साइड आपके पास क्या रहेगा, राइट साइड आपके पास यहां पर क्या कॉस सी एक्स प्लस डी ऊपर है, नहीं है, तो ये कट नहीं हो सकता। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, दिस विल बिकम ए इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, इसको नहीं कट कर सकते भाई, इसका एंगल अलग है, इसका एंगल अलग है, इतना तो आपको जानकारी है ना, ये दोनों एंगल्स डिफरेंट है, इसे कैसे कट करोगे आप। तो मैं 1 बाई कॉस को क्या लिख सकता हूँ, 1 बाई कॉस इज व्हाट, सेक, तो दिस विल बिकम सेक ऑफ सी एक्स प्लस डी प्लस सी। अब देखो हमें पता है साइन सी एक्स प्लस डी एक ये वाला फंक्शन, और इसको मैं एक कॉस अलग करके लिखूंगा, एक कॉस अलग करके लिखूंगा, ये बन जाएगा हमारे पास सी इंटू साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी, ये ऊपर वाला, इसके साथ में एक नीचे वाला लिख रहा हूँ क्योंकि सेम एंगल्स हैं, कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी, और एक हमारे पास ये है साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो मैं इसके अपॉन क्या कर सकता हूँ, दूसरा कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी, ये स्क्वायर था मैंने दो बार लिखा। अब इससे क्या होगा कि ये चीज़ जो है हमारे पास, ये चीज़ बन जाएगी टैन, ठीक, और इसको मैं वन बाई कॉस करके कर सकता हूँ, वन बाई कॉस इज सेक, इसे हम साइन रहने देंगे, इट विल बिकम ए इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी सेक ऑफ सी एक्स प्लस डी प्लस सी इंटू साइन बाई कॉस इज व्हाट, टैन, टैन ऑफ सी एक्स प्लस डी इंटू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, एंड वन बाई कॉस इज व्हाट, वन बाई कॉस इज सेक, तो सेक ऑफ सी एक्स प्लस डी। तो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ द गिवन फंक्शन। अब यहाँ डिनोमिनेटर वाले को हमने रीअरेंज किया और उसके अकॉर्डिंगली हमने आंसर निकाला है। तो ये क्वेश्चन था, नो डाउट ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा ज़रूर है, बट अगर आपकी कंसंट्रेशन लेवल हाई है तो बड़े इजी वे में सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है, सही है, आई थिंक ये क्लियर हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करें। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए अब इसका, देखो जैसे हम पीछे जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई, आपको आगे हेल्प करेगा। तो कैसा लग रहा है आपको भाई, डिफरेंशिएशन में मज़ा आ रहा है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ये काफ़ी मज़ेदार चीज़ें हैं और मैथ्स का मेन क्रक्स यही है, आप मैथ्स में अगर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अच्छे लेवल में समझते हो तो नियर अबाउट आउट ऑफ 100 50 प्लस मार्क्स सिर्फ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन ले लेता है, और इट मींस कि अगर आपने पूरे साल नहीं पढ़ा और इन दो चैप्टर्स को अच्छे से आप पढ़ते हो, बड़ी इजी वे में मैथ्स आप अपने एग्जाम क्लास 12th क्लियर कर सकते हो। चले नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट इज क्वेश्चन 6, y इक्वल्स टू कॉस एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 5। भाई यहाँ बहुत ध्यान रखना है, यहाँ बच्चा गलती करता है, ये पावर के ऊपर, देखो ये एंगल की पावर है बट ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर है, यहाँ ध्यान रखना है आपको बस। देखो भाई अभी हमने u बाई वी फॉर्मूला यूज़ किया ना, अब यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज़ होगा, ये भी एक x का फंक्शन है, ये भी एक x का फंक्शन है, यू कैन ट्रीट इट एज u एंड ट्रीट इट एज y, सही है, तो इसे हम ट्रीट करेंगे भाई u
और इसे हम वाई नहीं सॉरी वी, इसे हम ट्रीट करेंगे वी। तो बताइए डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू इंटू वी इज व्हाट, यू डिफरेंशिएशन ऑफ वी प्लस वी डिफरेंशिएशन ऑफ यू, याद है? और भाई ये फॉर्मूलेज अच्छे तरीके से याद कर लो, ये तभी आपको हेल्प करेगा। ऐसा नहीं है कि नोटबुक यूज़ कर रहे हो बार बार फॉर्मूला देख रहे हो, गलत है वो, लर्न करके रखो एक बार। हाँ मैंने बताया कैसे करते हैं इसे। चलिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस विल बिकम डी वाई बाई डी एक्स एंड राइट साइड विल बिकम डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स फाइव। अपनी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आप ब्रैकेट का इस्तेमाल कर सकते हो, ऑल दो क्वेश्चन में ब्रैकेट्स दी नहीं है बट आप ये ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हो ताकि क्लैरिटी रहे। तो ठीक है यू वी फॉर्मूला यूज़ करते हैं, दिस विल बिकम कॉस एक्स क्यूब, दिस इज यू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर फाइव, दिस इज वी प्लस साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर फाइव, दिस इज वी एंड डिफरेंशिएशन ऑफ यू, यू इज व्हाट कॉस एक्स क्यूब, क्लियर? अब यहां डिनोमिनेटर का कोई पंगा नहीं है इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ी इजी वे में सॉल्व होना है। आगे चलते हैं भाई, दिस विल बिकम कॉस एक्स क्यूब, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन नहीं यूज होने वाला बिकॉज ये जो पावर है ना टू, इसे आप यहां से हटा के होल पावर भी कर सकते हो। क्लास 9 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है आपने, आई होप पढ़ी है, तभी 11 12th में आए हो आप, तो इतना आप समझ सकते हो भाई। तो दिस विल बी एक्स, एक्स रेज टू पावर एन इज व्हाट, पावर को एक बार ही नीचे उतारो एंड पावर से आप 1 माइनस करोगे दैट विल बी 1, 2 माइनस 1 इज 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 5, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस, इस बार कोई इसकी कॉस की कोई पावर नहीं है, ये एंगल की पावर है वो अंदर है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इज व्हाट, ओ सी सी व्हाट, सी नेगेटिव याद है, इट विल बी माइनस साइन एक्स क्यूब बट बिकॉज इट इज नॉट एक्स यू हैव टू डिफरेंशिएट इट अगेन यूजिंग चेन रूल, तो दिस विल बी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, क्लियर है भाई? दिस विल बिकम कॉस ऑफ एक्स क्यूब इन टू टू साइन एक्स की पावर फाइव। अच्छा भाई यहां पर हमारे पास एक डिफरेंशिएशन जो है मिस हुई है, जैसे ही आपने इसकी डिफरेंशिएशन करी तो आप साइन की डिफरेंशिएशन वापिस से करोगे ना, तो यहां पे हम लिख लेते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ, विजिबल है भाई, साइन ऑफ एक्स रेज टू पावर फाइव, ये चीज मिस हुई है हमारी, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ एक्स रेज टू पावर फाइव। तो बताइए साइन की डिफरेंशिएशन हमारी क्या होगी, साइन की डिफरेंशिएशन इज कॉस, तो दिस विल बिकम कॉस ऑफ एक्स रेज टू पावर फाइव, बट क्योंकि एक्स रेज टू पावर फाइव है उसकी डिफरेंशिएशन वापिस से करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर फाइव, अब ये पीछे वाला फंक्शन चल रहा है प्लस, अब यहां से मैं कैरी ऑन कर रहा हूं साइन एक्स की पावर फाइव इंटू माइनस साइन एक्स की पावर थ्री, एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन इज व्हाट 3x2, क्लियर? दिस विल बिकम, मैं इस 2 को बाहर लिख सकता हूं भाई, दिस विल बी 2 इंटू कॉस एक्स क्यूब, इस 2 को बाहर लिखा हमने, साइन एक्स की पावर 5 इंटू कॉस ऑफ एक्स की पावर 5 एंड एक्स रेस्ट पावर 5 की डिफरेंशिएशन इज व्हाट 5 इंटू एक्स रेस्ट पावर 4, पावर नीचे उतारी एंड पावर से 1 सब्ट्रैक्ट किया, एज सिंपल, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, साइन एक्स रेस्ट टू पावर 5 साइन एक्स क्यूब इंटू 3x2। बस अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा रीअरेंज करना है इसे, तो 5 इंटू 2 विल बी 10, 10 एक्स रेज टू पावर 4 कॉस एक्स क्यूब साइन एक्स पावर 5 कॉस एक्स पावर 5, और ये आप पहले लिख चुके हो, माइनस 3x2 पहले लिख लेते हैं हम, 3x2 साइन एक्स पावर 5 साइन एक्स पावर 3, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ द गिवन फंक्शन। काफी इजी क्वेश्चन था ये, बस देखो यहां पर बिकॉज मल्टीपल टाइम्स चेन रिएक्शन, सॉरी मल्टीपल टाइम्स चेन रूल जो है वो यूज हो रहा है, चेन रिएक्शन फिजिक्स में यार, केमिस्ट्री में भी है, न्यूक्लियर फिजन, अगर उसमें कोई डाउट होगा तो आई विल हेल्प यू, हम यहां पे है, कोई दिक्कत नहीं है।
अच्छा यहाँ पे है कि मल्टीपल टाइम चेन रूल यूज़ हो रहा है, तो उसका ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर भी एक बार हम हटा ना यहाँ से, तो ये चीज़ होती है एग्जाम में, प्रेशर होता है स्टूडेंट पे। और यकीन मानो जब आप कभी ऑनलाइन एग्जाम दोगे ना अपनी लाइफ में, ये तो ऑफलाइन एग्जाम्स होते हैं, 11, 12 टाइमर चल रहा है, इतना भी इतना इशू नहीं होता, 3 घंटे है आपके पास। ऑनलाइन एग्जाम में ये टाइम बहुत मैटर करता है, वहाँ पे स्टूडेंट जो है प्रेशर के अंडर बहुत गलतियाँ करता है, इसका ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। स्टूडेंट्स एक आई थिंक यहाँ पे ये स्केयर जो है ना, सॉरी ब्रैकेट में आया, ये मिस हुआ होगा, इससे देख लेना एक बार यार, ये यहाँ भी आएगा, ठीक है। आप इसका होल पावर भी कर सकते हो, और ये साइंस के यहाँ भी आएगा, इसका ध्यान रखना है बिकॉज ये 2 ब्रैकेट में आया था, एक वो चीज़ रह गई है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। चलो भाई आज के लास्ट सवाल पे आ रहे हैं, अब देखिएगा भाई, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7th। वाई इक्वल्स टू 2√ cot ऑफ एक्स स्क्वायर। चले इसे सॉल्व करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं बोथ साइड्स, दिस विल बिकम dy by dx इक्वल्स टू 2 बाहर बिकॉज इट इज अ कॉन्स्टेंट, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स स्केयर। अब क्या मैं इसे होल रेज टू पावर 1/2 लिख सकता हूँ? कोई इशू तो नहीं है, ठीक है, होल रेज टू पावर 1/2 रूट है ना। तो अब कॉट नहीं पहले हमारे सामने आ रहा, हमारे सामने पहले पावर आ रही है। आप इसे सॉल्व करोगे, पावर नीचे उतारोगे, पावर से 1 माइनस करोगे, इट विल बिकम 2 × पावर, एक बार नीचे उतारी और पावर से हमने 1 माइनस की तो -1/2 आएगा, और चेन है क्योंकि अब आपने इसको पूरे को एक्स ट्रीट किया, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर आप वापिस से करोगे, क्लियर। ये टू कट हो जाएगा, दिस विल बिकम, क्योंकि नेगेटिव पावर को मैंने कल सिखाया पॉजिटिव कैसे करते हैं, नीचे ले जाओ कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसे मैं रूट लिख सकता हूँ बिकॉज नेगेटिव पावर है कि नहीं। एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉट इज वट इज डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉट, सी आया, सी की डिफरेंशिएशन जब आती है तो नेगेटिव में आएगा, याद है आप सभी को, दिस विल बिकम माइनस कोसेक्स स्क्वायर एक्स, चलिए इनटू माइनस ऑफ कोसेक्स स्क्वायर। अब एक्स हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इट मीन्स आपको इसकी डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर की वापस से करनी है। चेन रूल अभी तक यूज होगा तब तक जब तक लास्ट में एक्स ना आ जाए। चलो अब आगे चलते हैं, दिस विल बिकम 1/√ ऑफ कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू माइनस कोसेक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज व्हाट, 2x, रीअरेंजिंग इट वी विल गेट -2x अपॉन √ ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर इंटू कोसेक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दिस इज अ डिफरेंशिएशन ऑफ द गिवन फंक्शन, क्लियर है। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, आप कंसंट्रेशन लेवल बनाए रखें यार, इजी रहेगा, ज़्यादा मुश्किल है नहीं है हमारा डिफरेंशिएशन। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस प्लीज। चलिए भाई आई होप ने स्क्रीनशॉट लिया। स्टूडेंट्स आज के लिए हम इतने ही रखते हैं, हमने क्वेश्चन 4th, 5th, 6th, 7th, ये 4 क्वेश्चन लिए हैं, 4 क्वेश्चन अच्छे थे, और इनमें से ये क्वेश्चन आई थिंक इससे पहले वाला जो है ना वो एग्जाम में पूछा हुआ है, तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनके ऊपर हमने पकड़ बनाओ, बिकॉज अगर आप जेके बोस से हो तो हम जानते हैं ये चीज़ बार बार क्वेश्चन वो रिपीट करता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और CBSE से हो तो उधर भी ये रिपीट होते हैं, ऐसा नहीं कि वहाँ रिपीट नहीं होते। CBSE के लिए आप थोड़ी एक RD शर्मा बुक जो है उससे भी यूज़ करो, उसके क्वेश्चन भी हम आगे लेकर आएंगे, क्लियर। आपको बताया गया था कल भी यार, शेयर करो जितना हो सकता है, ये चैनल आप ही के लिए ये चैनल बनाया गया है, अगर आप शेयर करोगे तो इट विल मोटिवेट अस एंड इट विल मोटिवेट यू ऑल्सो, ताकि आप स्टडी कर सको ये सब चीज़ें। तो ठीक है आज के लिए हम इतने रखते हैं, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।